तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से ही पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन, जितने भी लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे मैं आप लोगों को वीडियो वाइज वीडियो प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसमें जो आपको जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे लिब्रो ऑफिस के दिखेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो और भी वीडियो जितने भी प्रोवाइड करूंगा, मैं लगभग सोचूंगा कि लिब्रो ऑफिस के सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूं, जिससे आपको लिब्रो ऑफिस में पूरी तरह से हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आप लिब्रो ऑफिस में अभी नथिंग है तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपकी अपनी वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे, वहाँ से भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब लिब्रो ऑफिस के मिलेंगे। मैंने पिछली भी वीडियो भी अपलोड कर दी है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दी है लिब्रो ऑफिस स्पेशल क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस के ही हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे जाके वो सारी वीडियो देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि वो भी आने वाली है लिब्रो ऑफिस से ही, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो एक नंबर कंट्रोल प्लस F4, बी नंबर है कंट्रोल प्लस H, सी नंबर कंट्रोल प्लस F11, डी नंबर कंट्रोल प्लस F8, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ाई करना है, यानी कि ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है, जिससे आपको हेल्प मिल सके एग्जाम में। जिन स्टूडेंट का इसका राइट आंसर मालूम है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस F8, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। लिब्रो ऑफिस क्लर्क में यानी एक्सेल में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में कमेंट ऐड करने के लिए शॉर्टकट कीज होती है? नंबर एक कंट्रोल प्लस C, बी नंबर आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस C, सी नंबर है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस C, डी नंबर शिफ्ट प्लस A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको शायद यूट्यूब पे देखने मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत सारे कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे। मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी, ठीक है। कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की जो होती है लिब्रो ऑफिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? नंबर एक कंट्रोल प्लस डी, आल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस प्लस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्लर्क में, यानी कि एक्सेल क्लर्क की बात आए तो आप समझ जाइए एक्सेल है, ठीक है। तो वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस माइनस, आपको एक कीबोर्ड में की दिखेगी, ठीक है, डैश का, और एक माइनस भी होता है नीचे, आपको पूरा सिंबल दिखेगा बड़ा सा और ऊपर थोड़ा छोटा, तो ये आप लोगों का डैश हो जाएगा और ये आप लोगों का अंडर स्कोर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क फाइल का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लर्क की बात हो रही है ना कि एम्प्रेस की, राइटर की, क्लर्क की यानी एक्सेल की, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, डॉट ODS होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लिब्रो ऑफिस क्लर्क में फार्मूला रॉन्ग होने पर साइन दिखता है? यानी कि जब आप कोई फार्मूला एंटर करते हैं, कोई फार्मूला लिखते हैं, तब जैसे कि आपका फार्मूला रॉन्ग हो गया कुछ भी, तो कौन सा सिंबल दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हैच सिंबल, ठीक है। जैसे कि आपका रॉन्ग होगा फार्मूला तो आपको हैच सिंबल देखने को मिलेगा, एक बार ट्राई जरूर करिएगा अगर आपके पास लिब्रो ऑफिस सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि आई होप आप लोगों को इतना समझने का टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में ट्रंक और राउंड एक जैसा काम होता है? तो भैया दोनों का काम अलग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में पूरी सीट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट कीज प्रयोग की जाती है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू, जब आप कीबोर्ड से ठीक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरी आप लोगों की सीट सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में रो को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे तो हमारी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ रो को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि जो ट्रिपल सी का एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चन जो कंफ्यूज क्रिएट करने वाले होते हैं, तो आपका क्वेश्चन मतलब समझ लेना है फिर आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिब्रे ऑफिस क्लर्क और राइटर में कंट्रोल प्लस डी एक जैसा काम करता है, तो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा इसका राइट आंसर, मैं बता देता हूँ। दोनों में जो वर्क होता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग। राइट आंसर इसका हो जाएगा फाल्स। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दूसरा काम करता है और क्लर्क में दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस क्लर्क में अगली वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप दूसरी शीट में जाते हैं एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को मालूम है तीन वर्कशीट होती हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है क्लर्क की, तो क्लर्क में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में हमें जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब की प्रेस करना होगा, तो आप दूसरी शीट में जा सकते हैं। राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन समझना है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आए तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में माइनस टेम्पलेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। देखो क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में माइनस टेम्पलेट के लिए, ठीक है, माइनस टेम्पलेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, आप बता सकते हैं, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन माइनस टेम्पलेट की शॉर्टकट कीज होती है, ध्यान देना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन किस मेनू में होते हैं, यहां पर की लिख दिया गया, इसका मतलब है किस, ठीक है, किस मेनू में होता है, किस मेनू में या किस टाइप में। ठीक है, नंबर एक फॉर्मेट, बी नंबर रेफरेंस, सी नंबर एडिट और डी नंबर है फाइल। तो ये जो सारे ऑप्शन होते हैं आपको एडिट मेनू में देखने को मिलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एडिट मेनू में आप लोगों के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन कितना होता है, तो ए नंबर है 2, बी नंबर है 2.2, सी नंबर 1 और डी नंबर 1.7। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान देना है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है, नंबर है कंट्रोल प्लस ए, बी नंबर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, सी नंबर है कंट्रोल प्लस F2 और डी नंबर है कंट्रोल प्लस F4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2, राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F2, ऑटो की शॉर्टकट की जो होती है, ठीक है, ऑटो टेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर और एमएस वर्ड दोनों में कंट्रोल प्लस F1 जैसा काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ये हो जाएगा, जैसे कि आप राइटर यानी कि एमएस ऑफिस में राइटर और ठीक है लिब्रे ऑफिस में राइटर, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एमएस वर्ड को क्या कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग 100% कन्फ्यूज होने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कन्फ्यूज कैसे आप लोगों हो जाते हैं। देखो लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ये रख दीजिए लिब्रो, ठीक है लिब्रे, और ये लिख दीजिए एमएस ऑफिस, ये हो गया लिब्रे ऑफिस, ये हो गया एमएस ऑफिस।
अब इसमें जो लिब्रो ऑफिस होता है इसमें चार पार्ट होते हैं, ठीक है, चार इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। नंबर एक होता है राइटर, दो नंबर होता है क्लर्क, और तीन नंबर होता है इम्प्रेस, और चार नंबर होता है ड्रा। और जो एमएस ऑफिस होता है इसमें पहला जो होता है वो होता है एमएस वर्ड, दूसरा होता है एमएस एक्सेल, तीसरा होता है एमएस पावर पॉइंट, और चौथा होता है एमएस एक्सेस। चार हो गए, लिब्रो ऑफिस के चार पार्ट होते हैं, एमएस ऑफिस के भी चार होते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही जैसे होते हैं, काफ़ी डिफरेंट है पर बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर होते हैं। आई होप आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लिब्रो ऑफिस में फिर से मैं बोल देता हूँ, लिब्रो ऑफिस में राइटर, क्लर्क, इम्प्रेस, ड्रा, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ठीक है। आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों एमएस वर्ड में भी और राइटर में भी कंट्रोल प्लस एफ एक ही जैसा काम करता है, यानी कि फाइंड करने का वर्क करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी बेशक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मोटिवेशन के लिए आप लाइक करिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा, मैं और भी वीडियो आप लोगों के डेली लाता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।